की स्टोरी मुझसे शूट करवाएगा। आप अपनी मर्जी से कर, हजारों मुसलमानों का कातिल नजर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। अरे सालिम सुन ले, हमारा जो शेर ऊपर ना आने दें भाइयों को, कायदीन के अलावा बाकी भाई नीचे उतर जाएं। बड़ी भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए, झंडे लहराए, झंडे लहरा के इस्तकबाल करें। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं। इस अजीम इसके अलावा हमारे दरमियान बहुत सी फलाही तंजीमों के आने शुरू कर दिए जाए। गर्म माहौल को गर्माने के लिए जोश को, कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। फौज हमारे मुल्क के बरसरे तो हर घर से हर बंदा तूफान बन के निकलेगा, अपना अपना हथियार लेके निकलेगा, अपना असला लेके निकलेगा, अपनी जान तली पर। मुजाहिदों की कौम है और आज यहाँ पर सिर्फ मुजाहिद नहीं, नहीं दे सकता। और मैं आज सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ, 1 लाख शहीद कश्मीरी, 1 लाख शहीद जो पाकिस्तान से पाप्यादा सफर करके वहाँ पाकिस्तानी शहीद कहलाते और पाकिस्तान के परचम के अंदर श्रीनगर के कब्रस्तानों में आज भी वो तफ़ता क्या, वो जो आज की तावन से पाकिस्तान की जद्दोजहद के साथ इंशाल्लाह आजाद कौम के तौर पे जल्द आप देखेंगे कश्मीरी। 70 बरस के अंदर आपने आलमी स्टेज के ऊपर सभी लोना पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान मुजाहिद वजीर आजम। बहुत बहुत आज 27 सितंबर है और गुज़श्ता 7 दिनों में उन्होंने 75 मीटिंग्स ऐसी की हैं जिसमें सरबराहन मम्लिकत और जो अहम अदारे हैं दुनिया के उनके सामने कश्मीर का मुकदमा रखा है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज AFP के मुताबिक एक अमरीकी डिप्लोमेट ने भारत को, नरेंद्र मोदी को यह पैगाम दिया है कि कश्मीरियों के ऊपर जो तुम जुल्म सितम कर रहे हो और जो पाबंदियां लगाई हैं वो हटाओ। इसका मतलब है कि कामयाबी की तरफ ये पहला कदम है और आज प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली के अंदर खिताब कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की आज़ादी तक वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और इंशाल्लाह उन्होंने सफारतकारी का पूरा हक अदा किया है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम मैं वल्लाह बिल्ला कहता हूँ कि मेरी तवक्को से 100 गुना ज्यादा बेहतर मुकदमा उन्होंने कश्मीरियों का लड़ा है। इस एहतजाज से आज क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मैसेज दिया? मैं इस कौम को चाहता हूँ, ये कौम सिर्फ जिहाद के नाम पे जमा होती है, इस कौम को बताना चाहिए कुरान का हुक्म ये है कि मुसलमानों, बच्चों, औरतों, मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो हमारा घरों में बैठना जायज नहीं है। पर आएगा माइक पे ऑन, आप कहाँ से पूरा अब तक तारुफ करा दीगा और एहतजाज के हवाले से बताइएगा कि कैसे देखते हैं इस एहतजाज को? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन, मेरा तलक कश्मीर से है। आज यहाँ पर जिस तरह एक तारीख साज आज जुम्मतुल मुबारक के इस 27 सितंबर को, मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा इजमा जहाँ जिंदा दालान लाहौर ने तारीख साज मुजाहरा किया है उस मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जिसने 72 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम का हक खुद इरादियत दबा रखा है और एक ऐसा कातिल और जुनूनी वज़ीर आज़म जिसके हाथ 2 लाख कश्मीरियों के खून से रंगीन हैं। वजह क्या है कि जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं और यह हक उन्हें अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों ने दिया है। ये वही हिंदुस्तान है जिस जो खुद गया था सिक्योरिटी काउंसिल में और इसने कहा था कि हम कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देंगे, लेकिन ना तो भारत ने मुज़ाकरात, इसने कई बार मुज़ाकरात किए लेकिन भारत ने हमेशा चालाकी मकारी का मुजाहरा किया, चूँकि वो संजीदा नहीं है। आज कश्मीर के अंदर आप देखेंगे पूरी वादी कतलगाह बन चुकी है, आज 52 रोज़ हो गए लेकिन हिंदुस्तान
इस वक्त कर्फ्यू का कर्फ्यू लगा रखा है और वहाँ पर इस वक्त जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस जुल्म और सितम की दास्तान इतनी बेनाक है कि पानी तक नहीं दिया जा रहा, इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। फिर वहाँ पर औरतों के साथ, बच्चों के साथ अस्मत दरी की जा रही है। आज पूरी वादी कतलगाह बन चुकी है, इंटरनेट का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। तो आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज का दिन इसलिए भी तारीख साज है कि आज 27 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, चूँकि मैं कश्मीर का बेटा हूँ, मेरे वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनकर आपका मुकदमा सबसे बड़े जो फोरम है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, मैं वहाँ उठाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नज़रें और मेरे रियासत जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ अवाम की नज़रें इक़वामे मुत्तहिदा पे, उस जनरल असम्बली पर लगी हुई हैं कि मेरा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह कश्मीरियों का मुकदमा जीत कर आएगा। इमरान खान की जद्दोजहद को आप कैसा देखते हैं, कश्मीर की आज़ादी? मैं बहसीत एक कश्मीरी में आपको बताऊं कि मुझे याद है कि 28 फरवरी 1975 को इंदिरा अब्दुल्ला इकार्ड के खिलाफ अगर किसी ने तारीख साज हड़ताल की अपील की थी तो वो तीसरी दुनिया के अजीम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद थे। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये दूसरा आदमी है कि 64 साल के बाद ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है।